बिलासपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। वह गांव में रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी काम करता था। यहां तालाब गहरीकरण का काम चल रहा है और बांध के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरा है। गांव के सरपंच ने विद्युत वितरण कंपनी को पहले ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन विभाग ने खंभा हटाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते मजदूर युवक की जान चली गई है। मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। ग्राम मुनी निवासी अभिषेक यादव, उम्र 22 साल, पिता नरेश यादव, सिपत के गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम अंतिम वर्ष छात्र था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह गांव में चल रहे मनरेगा के काम में सुपरवाइजर का काम करता था। गुरुवार सुबह वह तालाब गहरीकरण काम करने गया था। वह तालाब के बांध तरफ चढ़ गया। तालाब में मिट्टी निकालकर बाहर रखी गई, इसके चलते बांध की ऊंचाई ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से हाई टेंशन तार बांध तक पहुंच गया था। अभिषेक को ऊपर से बिजली तार गुजरने का ध्यान ही नहीं रहा और वह तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गया। जिस समय यह घटना हुई, वहां तालाब में मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने अभिषेक को करंट की चपेट में आकर झुलसते देखा। घबराए मजदूरों ने इस घटना की जानकारी गांव के सरपंच नरेश साहू को दी। गांव के सरपंच मजदूरों के साथ मिलकर के उसे इलाज के लिए सीधी सीम्स अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। सरपंच नरेश साहू ने बताया कि मनरेगा के तहत काम शुरू करने के पहले तालाब के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तार को लेकर विद्युत वितरण कंपनी को खंभा हटाने के लिए आवेदन भी दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी बिजली कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। अभिषेक यादव मनरेगा में काम कर अपने साथ ही परिवार का गुजारा करता था। उसके पिता नरेश यादव भी मजदूरी करता है। वह पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने काम करता था। अभिषेक और परिवार के सदस्य होली पर्व की तैयारी में जुटे थे। शुक्रवार को होली पर्व पर काम बंद होने के कारण ही गुरुवार को वह काम कराने पहुंचा था। भाई बहन के साथ ही परिजन उत्साह से होली मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अचानक इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।